ठीक है, दोबारा से क्लास ले रहा हूँ पूरी। एंशंट हिस्ट्री पढ़ रही हैं, इम्पॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट इसमें पूछा जाता है, तो इसलिए इसको करना पड़ेगा आप लोगों को। एंशंट हिस्ट्री में मैंने आप लोगों को बताया कि जो आप लोगों का इतिहास होता है वो तीन पार्ट से ही आप लोगों को पता चलता है। इसके जो एविडेंस होते हैं, जो प्रमाण होते हैं आप लोगों के, द फर्स्ट आप लोगों के जो पुरातात्विक होते हैं, साहित्यिक होते हैं और विदेशी यात्री होते हैं। इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के साक्ष्यों से पता चलता है कि हमारा जो पुराना, जो हमारा जो अतीत था वो किस तरह का था, इसमें किस किस तरह की, ठीक है, किस किस तरह की घटनाएं हुई हैं, ये सारी हमें पता चलती हैं। कुछ एक काल ऐसे हैं, कुछ एक पीरियड आप लोगों के ऐसे हैं जिनसे हमें रिटर्न प्रूफ मिलते हैं, जिनकी कुछ पेंटिंग्स से हमें कुछ प्राप्त होता है, बट कुछ एक काल है जहां से हमें ना तो किसी तरह का कोई रिटर्न एविडेंस प्राप्त होता है, जो आप लोगों का कहलाता है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे आप लोग जानते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड में। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन सीधा ही पहला पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा काल है या कौन सा ऐसा पीरियड है आप लोगों का। ओके, और एक चीज और, आप लोगों की आज 9:30 बजे यूट्यूब के ऊपर क्लास होगी, क्लास नहीं, मैम के द्वारा एक सेशन लिया जाएगा, प्लीज उसको अटेंड कर लेना, ठीक है। मैं अपनी सेशन जो आप लोगों की होंगी आज 9:30 से पहले पहले कंप्लीट कर दूंगा। इंपॉर्टेंट रहेगा, पॉलिटी वो आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, पहला लेक्चर उनका वहां पे जाएगा, फिर आप लोगों को कल जब भी उनका होगा वो आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। और साथ में क्लर्क वालों, बैंक वालों को मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि जो क्लर्क का बैच है आप लोगों का, क्लर्क वाले स्टूडेंट असिस्टेंट मैनेजर वाले बैच में नहीं आएंगे, ठीक है। सिलेबस में बहुत डिफरेंस है आप लोगों का, और बाकी जितने भी हैं हमारे जो काम करते हैं मेरे साथ, उन्होंने मना किया है कि ऐसा नहीं है कि क्लर्क वाले स्टूडेंट को भी असिस्टेंट मैनेजर का बैच दिया जाएगा, ठीक है। तो असिस्टेंट मैनेजर के बैच में आप लोग ऐड नहीं हो पाएंगे। आपकी वीक में जो होंगी तीन क्लासेस होंगी, जिसमें इंग्लिश की भी क्लास होगी, जिसमें आपकी सॉरी मैथ की भी होगी, और जिसमें आप लोगों का रीजनिंग भी होगा। जहाँ पे 1 घंटे की क्लास होगी वहाँ पे मैं आप लोगों की 2-2 घंटे की क्लासेस वहाँ पे लगा के पूरा वीक का कंप्लीट करवाऊंगा, बट आप लोग असिस्टेंट मैनेजर में नहीं आएंगे, ठीक है। एक स्टूडेंट आएगा जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, और एक स्टूडेंट और हैं अनिल, उनका भी आना, उनका भी, वो भी आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप दोनों स्टूडेंट को अलाउ किया हुआ है क्योंकि पहले से असिस्टेंट मैनेजर की ही कोचिंग के लिए इनरोल हुए हैं कोऑपरेटिव बैंक के बैच में। ओके, तो प्री हिस्टोरिक जो आप लोगों का प्रग ऐतिहासिक काल है, इसी के बारे में बात करेंगे। नो रिटर्न सोर्स, इसका किसी तरह का आप लोगों का सोर्स नहीं मिलता है। तो हम इसको आगे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्री हिस्टोरिक पीरियड को। ठीक है, इसको आगे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे जिसको हम पढ़ेंगे। तो पहला जो आप लोगों का होगा वो स्टोन एज होगी, और दूसरा जो होगी आप लोगों की एज होगी वो आप लोगों की कॉपर एज होगी, ठीक है। जो आप लोगों की स्टोन एज है इसको भी आगे डिवाइड किया गया है कुछ एक हिस्सों में, तो ये भी हम देखेंगे किस तरह ये डिवाइड है। तो आपको पहली बताई थी मैंने, जो आप लोगों की होगी पॉलीएथिल पॉलीलिथिक पीरियड, जो आप लोगों का कहलाता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। टाइम पीरियड आप लोगों से वैसे पूछा नहीं जाता है इसका, बट फिर भी आप लोग ध्यान रखिए, 5 लाख से लेके 8000 BC तक का इसका टाइम रहेगा। ठीक है, 5 लाख से लेके 8000 BC तक का इसका टाइम रहेगा। और इसी पीरियड में जो पहली इन्वेंशन मनुष्य के द्वारा की गई थी, वो की गई थी आप लोगों की फायर की, आग की, बट इसमें ये इसको यूज करना बिल्कुल भी नहीं जानता था। पहला ये हो गया इसका, ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है। सेकंड आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इसी जो पीरियड था आप लोगों का, जो आप लोगों का पैलियोलिथिक एज थी आप लोगों की, इसमें मनुष्य ने किस तरह के इक्विपमेंट बनाए थे। तो याद रखना, जितने भी इसके द्वारा इक्विपमेंट बनाए जाएंगे वो सारे इक्विपमेंट आप लोगों के स्टोन के द्वारा ही बनाए जाएंगे। ओके, इक्विपमेंट आप लोगों के जो होंगे वो स्टोन के द्वारा होंगे, और इसकी एग्जाम्पल पूछी जाती है आप लोगों से। तो ध्यान रखना, आप लोगों ने एक तो इसके द्वारा हैंड एक्स बनाया गया था, सेकंड आप लोगों का कैलिवर बनाया गया था, या कैलिवर कुछ भी आप लोग इसको कह सकते हैं, थर्ड आप लोगों का होगा स्क्रैपर। ओके, तो ये तीन चीजें इस काल में मनुष्य ने यूज करना स्टार्ट कर दी थी, वो भी पत्थर की बना के। नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके जो तथ्य हैं, जो इसके एविडेंस है, वो कौन कौन सी वैली के पास मिलते हैं। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, फर्स्ट आप लोगों की होगी वेलोन रिवर वैली,
फिर आप लोगों ने याद रखना है कि सोहन रिवर वैली है आप लोगों की एक, और लास्ट आप लोगों की होगी नर्मदा रिवर वैली। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों की। और इसमें आप लोगों ने एक और चीज का ध्यान रखना है कि केव पेंटिंग्स में पाई गई हैं, तो केव पेंटिंग कहाँ कहाँ पे पाई गई हैं, तो एक ही लोकेशन आप लोगों की रहेगी इसमें, भीम भेटक नामक जगह है आप लोगों की मेम्पी के। मध्य प्रदेश का आप लोगों का भोपाल नामक लोकेशन है आप लोगों की ये, ठीक है, तो यहाँ पे रहेगी। तो ये सारी चीजें हैं। और इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मनुष्य था उसका किस तरह का स्वभाव था इसमें, तो नेचर जो इसका था वो हंटिंग का था, शिकारी स्वभाव का मनुष्य इस काल में आप लोगों का पाया गया है। ओके, तो ध्यान रखिए इन चीजों को, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कुछ ना कुछ इसमें से पूछा ही आप लोगों को जाएगा। सेकेंड हमारा था मध्य पाषाण काल, जिसे मैंने आप लोगों को कहा था मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज आप लोगों की होगी मध्य पाषाण काल के अंतर्गत, और इसका अभी आप लोगों से टाइम पीरियड बताया गया था 8000 BC से लेके आप लोगों का रहेगा 4000 BC तक का टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप लोगों की। बात करें यहाँ पे इक्विपमेंट की, तो इक्विपमेंट आप लोगों के यहाँ पे साइज जो इनका होगा वो शॉर्टर हो जाएगा एज कम्पेयर टू लास्ट जो हमने पढ़ा था। साइज जो होगा आप लोगों का वो शॉर्टर होगा, ठीक है, छोटा साइज हो जाएगा इसमें, इसके इक्विपमेंट आप लोगों के देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि माइक्रोलिथ जो इक्विपमेंट थे वो कौन से काल में यूज किए जाते थे, तो आप लोगों ने याद रखना है जो आप लोगों के माइक्रो लिथ वाले इक्विपमेंट थे वो आप लोगों के यूज किए जाएंगे मेथोलिथिक पीरियड में, ठीक है, या मियोलिथिक पीरियड में। ओके, तो याद रखना आप लोगों ने, जो आप लोगों का मेसोलिथिक पीरियड होगा मध्य पाषाण काल का पीरियड होगा। और इसके बाद आप लोगों से कहा गया था जो मनुष्य था वो डोमेस्टिकेशन होना स्टार्ट हो चुका था, पशुपालन की ओर भी रुचि रखना स्टार्ट कर चुका था। ठीक है, ठीक है, एविडेंस कहाँ कहाँ पे मिले हैं इसके पशुपालन के, तो ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने, या इसी पीरियड के जो एविडेंस मिले हैं आप लोगों के, तो ऑलरेडी आप लोगों को बताया गया है, जिसमें आप लोगों का जो पहला मैंने बताया था वो आदमगढ़ था। ठीक है, जो आप लोगों का मध्य प्रदेश में है, एंड सेकंड आप लोगों का जो रहेगा वो भागोर नामक जगह है जो आप लोगों की राजस्थान में है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट आप लोगों की है। और इसी काल में पहली बार ऐसा हुआ कि मनुष्य के कंकाल भी मिले थे, कंकाल या उसकी अस्थियां, फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केल्टन, ये भी आप लोगों की प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो ये भी आप लोगों की इम्पोर्टेंट रहेंगी। ओके, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके बाद आप लोगों ने ये भी याद रखना है कहाँ कहाँ पे इसके एविडेंस प्राप्त हुए थे, तो ये भी पूछे जाते हैं। तो एक आप लोगों का रहेगा सराय नहर, ठीक है, सराय नाहर नामक लोकेशन है एक आप लोगों की, और दूसरी आप लोगों की रहेगी महदहा। महदहा ये जो लोकेशन आप लोगों की है यूपी के प्रतापगढ़ के पास, यूपी का प्रतापगढ़ जो आप लोगों का है वहां पे, जो पहली है आप लोगों की वो सराय नाहर है, और सेकंड आप लोगों की है जो वो है महदहा। ठीक है, सराय नहर, और ये है आप लोगों की मेहदहा। ओके, तो ये सारी आप लोगों की सेकंड जो आप लोगों का मेसोलिथिक पीरियड है मध्य पाषाण काल है वहां पे देखने को प्राप्त हुआ था। इसके बाद आप लोगों ने थर्ड याद रखना है इसका, जो इसे आप लोग कहते हैं नियोलिथिक पीरियड, जो आप लोगों का नव पाषाण काल है, यहाँ से मनुष्य थोड़ा स्वभाव में भी अच्छा हुआ और थोड़ा एग्रीकल्चर की तरफ भी बढ़ना स्टार्ट हुआ। इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपका रहेगा 4000 BC से लेकर आप लोगों का रहेगा 2500 BC तक। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें आप लोगों ने याद रखना है जो ये एविडेंस है, इसमें पहला ही सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे नव पाषाण काल या नियोलिथिक पीरियड के साक्ष्य आप लोगों को प्राप्त होते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था
1869 में आप लोगों की एक खोज हुई थी, जो आप लोगों की टोंस रिवर वैली है, जो आप लोगों की यूपी में, वहां पे इसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे पहली बार, ठीक है। और इसी से प्राप्त या इसी इन्हीं साक्ष्यों से पता चला था कि जो आप लोगों का मनुष्य था उसने एग्रीकल्चर स्टार्ट करना शुरू किया था। एग्रीकल्चर का भी यहीं से पता चला था कि मनुष्य के द्वारा एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोगों से ये पता चलता है कि एग्रीकल्चर के एविडेंस कैसे, मतलब कि यहाँ से तो पता चला कि एग्रीकल्चर तो स्टार्ट हो रहा है, बट जो इसके मेन एविडेंस थे कि पहला एविडेंस कहाँ से प्राप्त हुआ था, कि जो मनुष्य आप लोगों का है वो एग्रीकल्चर कर रहा था और किस किस तरह की खेती कर रहा था, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो ध्यान रखना आप लोगों ने, मेहरगढ़ है आप लोगों का बलूचिस्तान में, मेहरगढ़ जो आप लोगों का होगा बलूचिस्तान, और ये आप लोगों का होगा पाकिस्तान में, ठीक है। यहां से प्राप्त हुए थे फर्स्ट एविडेंस जिससे पता चला था कि जो मनुष्य नवपाषाण काल का था उसने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया था। तो आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि इसने बीट को भी किया था स्टार्ट, फिर आप लोगों के इसने कॉटन और कपास की खेती ही पहली मानी जाती है। तो आप लोगों ने एक और याद रखना, वार्ले, जिसे आप लोग जो कहते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है और यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का पूछा भी जा सकता है। इसके बाद ह्यूमन स्केल्टन की बात की जाए, कहाँ कहाँ पे प्राप्त हुए हैं, तो ये भी आप लोगों को बता चुके हैं पहले ही कि जम्मू कश्मीर का है आप लोगों की लोकेशन, जिसका नाम है आप लोगों का भुर्ज हेम, ठीक है। और सेकंड आप लोगों का है गुफ कारड, गुफ कारड, और ये जो आप लोगों के हैं ये सारे जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो आप लोगों का है बुर्ज हेम, ठीक है, यहां से पता चला था कि जो मनुष्य है उसके ह्यूमन स्केल्टन के साथ क्या प्राप्त हुआ था, डॉग। और यहां से पता चलता है कि जो मनुष्य है वो अपने पालतू कुत्ते को, मतलब उसके साथ उसका जो पालतू कुत्ता होगा उसको भी दफनाया जाता था। और यहीं से एक और चीज पता चलती है कि जो मनुष्य का पहला पालतू जानवर था वो क्या था, वो आप लोगों का डॉग था, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। इसके बाद आप लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए ह्यूमन स्केल्टन सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में कहाँ पे प्राप्त हुए हैं, तो बिगेस्ट अमाउंट ऑफ बोन्स या हड्डियां या अस्थियां कुछ भी आप लोग इनको कह सकते हैं, ये सबसे ज्यादा जो प्राप्त कहां से हुई है, बोन्स जो आप लोगों की प्राप्त हुई है वो बिहार के चिरमड़ नामक जगह है, सॉरी क्या थी वो, चिरमड़ तो नहीं थी, हाँ चिरांद, चिरांद है आप लोगों की बिहार में, ओके। तो ये भी चीज आप लोगों की बनेगी, इससे क्वेश्चन जो बने जाते हैं आप लोगों के वो यही बनते हैं, तो ध्यान रखना है आप लोगों ने इसके। इसके बाद आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ राइस, चावल की खेती नवपाषाण काल में मनुष्य के द्वारा कौन सी जगह पे की थी, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कालदी हवा नामक जगह है एक, जो आप लोगों का पड़ता है इलाहाबाद यूपी में, ठीक है। इस लोकेशन में इसकी खेती होना स्टार्ट हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। और इसके बाद आप लोगों ने एक और चीज याद रखनी है कि साउथ दक्षिण साइड में नवपाषाण काल के सबसे महत्वपूर्ण जगह कौन सी मानी जाती है, साउथ इंडिया में, ठीक है, साउथ साइड में। तो आप लोगों ने ये भी ध्यान रखिए कि कर्नाटका का आप लोगों का वेलोरी नामक स्थान होगा, कर्नाटका का वेलोरी लोकेशन ये पूछी गई है कि साउथ साइड कौन सा था आप लोगों का, तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, नोट डाउन हो गया सारा कुछ। इसके बाद मनुष्य ने नवपाषाण काल में ही स्टार्ट किया था किसका प्रयोग करना, पहिए का, जिसे आप लोग जानते हैं व्हील, ठीक है। और ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपने पालतू जानवर था उनका प्रयोग एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए
मनुष्य ने किसका प्रयोग करना शुरू किया था? तो आप लोग जानिए कि उनके जो जानवर थे उनके द्वारा ही वो एक जगह से दूसरी जगह पर बैलगाड़ी में जाता था, और उन बैलगाड़ी में प्रयोग किया जाता था आप लोगों का पहिया। तो ये इम्पोर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि जो तांबे का प्रयोग नवपाषाण काल में किया गया था वो कब किया गया था? तांबे का प्रयोग नवपाषाण काल में किया गया था जब नवपाषाण का अंतिम समय चल रहा था। नवपाषाण काल के अंतिम समय में ही आप लोगों के तांबे का प्रयोग करना मनुष्य ने स्टार्ट किया था। ओके, और इसी समय को जो आप लोगों का तांबे का प्रयोग करने का समय कहा जाता है, इसको ताम्र युग कहा गया है। और ताम्र युग के ऊपर क्वेश्चन सीधा आता है कि ताम्र युग का समय पीरियड क्या था? तो ध्यान रखना आप लोगों ने 3000 BC से लेके 2000 BC तक का जो आप लोगों का समय था वो आप लोगों का ताम्र युग माना जाता था। ओके, और एक और क्वेश्चन आता है कि इसी के समय काल में जो आप लोगों का 2500 BC आएगी वो क्यों फेमस है आप लोगों की? तो ध्यान रखना आप लोगों ने 2500 BC में जो मनुष्य था उसने लिपियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। ठीक है, लिपियों का प्रयोग करना भी शुरू किया था। और जितनी भी लिपियां हैं आप लोगों की, ये आप लोगों की ये पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आप लोगों को प्राप्त हुई है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ताम्र युग है जिसमें तांबे की बात हो रही है, तो तांबे का प्रयोग सबसे ज्यादा किस जगह पे हुआ है? तो इंडस वैली में सबसे ज्यादा इसको प्रयोग किया गया है, इंडस वैली में, जिस कारण इंडस वैली है जो आप लोगों की इसे, ठीक है, इंडस वैली को एक और नाम से भी जाना जाता है, जो आप लोगों की इंडस वैली है इसको कांस्य युगीन वैली या सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि जो आप लोगों का जो तांबे का प्रयोग किया जा रहा था इसमें तांबे के साथ इन्होंने जिंक का प्रयोग किया और एक नई धातु का आविष्कार किया जिसे जाना जाता है आप लोगों की कांस्य का प्रयोग, या जिसे कहा जाता है कांस्य की धातु। तो कांस्य का जो प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ है वो आप लोगों का इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हुआ है, क्योंकि तांबे का अगर यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, तांबे के साथ जिंक को मिलाया गया तो पैदा हुआ आप लोगों का कांसा, और कांसे का सबसे ज्यादा प्रयोग आप लोगों का इंडस वैली में हुआ है। और इसी कारण जो आप लोगों की इंडस वैली सभ्यता है इसको क्या कहा जाता है? इंडस वैली सभ्यता को ही कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि इसमें कांसे का प्रयोग सबसे ज्यादा किया गया था। क्वेश्चन इससे आप लोगों का बनता ही बनता है। ओके, तो फिर नेक्स्ट आप लोगों का जो आएगा, जो हमने पीछे पढ़ा प्रो हिस्टोरिक पीरियड आप लोगों का आएगा, जो हमने पहले पढ़ा था वो आप लोगों का कंप्लीट होता है। ठीक है, हिस्टोरिक पीरियड की हम बात कर रहे हैं, कंप्लीट है यहाँ तक सबका। सेकंड पढ़ेंगे हम इसमें प्रो हिस्टोरिक, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। और जो प्रो हिस्टोरिक है आप लोगों का, इससे सीधे क्वेश्चन मिलते हैं आप लोगों के कि कौन सा ऐसा हिस्टोरिक पीरियड था जिसमें आप लोगों के जो अवशेषों के साथ साथ, जो भी आप लोगों के इस इतिहास के अवशेष के साथ साथ रिटर्न एविडेंस या रिटर्न सोर्स भी प्राप्त हुए हैं। एविडेंस जो आप लोगों के इसमें प्राप्त हुए हैं वो आप लोगों के रिटर्न प्राप्त हुए हैं। और एक और चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये जो आप लोगों का पीरियड है इसके जितने भी एविडेंस आप लोगों के रिटर्न प्राप्त हुए हैं ये नॉन रीडेबल है, यानी कि इनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ओके, तो ये क्वेश्चन ध्यान में आप लोग रखेंगे। कॉपर एज आप लोगों को पीछे बता दी गई, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली को हम आगे पढ़ेंगे ना अभी, अभी तो आप लोग 3000-8000 वाली BC को पढ़ रहे हैं, इंडस वैली हम आगे पढ़ेंगे। इंडस वैली को तो मैंने स्टार्ट नहीं किया, जस्ट आप लोगों को वहां पे बताया है कि वो उसके अंतर्गत ऐसा ऐसा हुआ था। ओके जी, इंडस वैली को आगे पढ़ेंगे हम, उसकी एक स्टोरी है, आप लोगों को पता लगेगा कैसे इंडस वैली का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा, इंडस वैली को कैसे उनकी शुरुआत हुई। आप लोगों को पता है कि जो इंडस वैली है आप लोगों की जो उसकी खोज की गई थी, आपका जो रेलवे ट्रैक है उसके साथ भी उसका संबंध है, कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, उसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा दूंगा, जो भी आपका कॉपर स्टोन जो भी आप बोल रही हो उसको आपको सारा कुछ पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, पहले हम इन हिस्टोरिक को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इसके जो भी एविडेंस प्राप्त हुए हैं वो आप लोगों के रिटर्न नहीं है, ठीक है, जिनको रीड नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि जो आप लोगों का प्रोटो हिस्टोरिक है, ठीक है, जो आप लोगों की प्रोटो हिस्टोरिक है इसमें सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी गई है? सबसे पुरानी सभ्यता, और ये हमारी ही सभ्यता है,
सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है आप लोगों ने। तो आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप लोगों की इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यही आप लोगों की सबसे पहली या सबसे पुरानी सभ्यता मानी गई है। ओके ओके, ध्यान रखना इसके बारे में। इसका जो समय पीरियड आप लोगों से पूछा जाता है, वो आप लोगों का समय पीरियड है 2500 BC से लेके आप लोगों का रहेगा 1750 BC तक का कार्यकाल। ओके, तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है। तो इससे पहले आप लोगों को इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि सिविलाइजेशन क्या होती है। जल्दी से बताइए, सभ्यता आप लोगों की क्या होती है? आंसर देंगे सारे के सारे। सिविलाइजेशन जो आप लोगों की सभ्यता होती है, ये क्या होती है? 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, जल्दी करना। ओके, तो इंडस सिविलाइजेशन जो आप लोगों की वैली सिविलाइजेशन है, आप लोगों को ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ, ब्रॉन एज सिविलाइजेशन इसको कहा गया है। सोशल कल्चरल डेवलपमेंट, लाइफ स्टाइल आप लोगों का होता है सभ्यता सिविलाइजेशन। तो ध्यान रखना आप लोगों ने कि एक पर्टिकुलर एरिया जिसमें एक ही कल्चर, एक ही सभ्यता को फॉलो किया जाए, वो आप लोगों की सभ्यता कहलाती है, सिविलाइजेशन कहलाती है। ठीक है, एक आप लोगों का पर्टिकुलर एरिया होगा, इसमें यहाँ पे जो लोग रहने वाले होंगे आप लोगों के, वो एक ही कल्चर को फॉलो करेंगे, तो वो एक तरह की सिविलाइजेशन कहलाती है। ठीक है, इतना सा बात है, बस ये सही कह रहे थे आप लोग, वही सिविलाइजेशन आप लोगों की कहलाएगी। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट भी करवा सकता हूँ, बट आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ किस किस तरह इसका आप लोगों की शुरुआत हुई। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आप लोगों के क्वेश्चन इसके कभी कभार पूछे जाते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडस, वैसे पूछा नहीं जाएगा, कभी आप लोग किसी जगह पे जाके मेंस लिखना स्टार्ट करते हैं तो वहां पे ये क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोगों के, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका इतिहास क्या था, कैसे इसके बारे में पता चला, किस तरह इसका ज्ञान हुआ लोगों को कि ये भी कोई सिविलाइजेशन है। बिकॉज इसके पहले जो आप लोगों के भारतीय थे, वो मानते थे कि हमारी कोई और ही सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ज्ञान था जो लोगों को, वो 1921 से पता चला है। 1921 से पहले इसके बारे में किसी को किसी तरह का कोई भी ज्ञान नहीं था कि इंडस वैली नाम की भी कोई सिविलाइजेशन है। सबका मानना था कि जो आप लोगों की सिविलाइजेशन जो पहले थी, वो वैदिक सभ्यता ही थी, वैदिक सिविलाइजेशन थी। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिए, सुनिए थोड़ा सा। 1921 तक लोगों को इतना सा ही पता था कि हमारे देश की जो पहली सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, वो कब से स्टार्ट हुई थी, वो 1500 BC से स्टार्ट हुई थी, यानी कि आज से लगभग 3500, 3500 ही हुआ होगा ना, हाँ 2000, हाँ 3500। ठीक है, 1500 BC में आप लोगों के जब आर्यन आए थे भारत में, भारत में आर्यन कब आए थे जानते हो आप लोग? आर्यन कौन थे? आर्यन जो भारत में आए थे, वो आप लोगों के आए थे 1500 BC में। और आप लोगों से पूछा जाता है कभी कभार ये क्वेश्चन कि एंट्री कहाँ से की थी और ये कहाँ के लोग थे जो आप लोगों के आर्यन थे, ये आप लोगों के सेंट्रल एशिया के लोग थे, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों ने। और ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो आर्यन थे, इन्होंने भारत में एंट्री कहाँ से की थी, तो ये भी आप लोग माइंड में रखिए। जो आप लोगों का कश्मीर है, कश्मीर के सिंध नामक, कश्मीर और सिंध नामक जगह से इन्होंने भारत में एंट्री करना स्टार्ट किया था। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का पता लगेगा। और 1500 BC और जब आप लोगों के आर्यन आएंगे, यही जो आप लोगों का काल कहलाएगा, वो आप लोगों का वैदिक सिविलाइजेशन का कहलाएगा या वैदिक सभ्यता का काल कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? बिकॉज जो आप लोगों के चार वेद हैं, चार वेद कौन कौन से हैं आप लोगों के, जल्दी जल्दी बताइए। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और आप लोगों का यजुर्वेद। ठीक है, आप लोगों को लिखने में टाइम लग सकता है, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ। जो आप लोगों की क्वेश्चन पूछा जाता है कि चारों वेदों की रचना कौन सी सभ्यता में हुई है, तो आप लोगों ने याद रखना वैदिक पीरियड में इसकी रचना हुई है। और आप लोगों का जो फेमस ग्रंथ है, जिसे आप लोग कहते हैं रामायण, और आप लोगों का महाभारत, वो भी इन्हीं के समय काल में स्टार्टिंग सॉरी इन्हीं के समय काल में उसको लिखा गया था। ओके, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखना है इसके बारे में। ओके, और ये जो आप लोगों के वैदिक पीरियड वाले थे, ये ग्रामीण तरह के लोग थे,
ग्रामीण सभ्यता को फॉलो करते थे, पर आप लोगों की जो इंडियन सिविलाइजेशन थी ये आप लोगों की शहरीकरण वाली थी। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के, शहरीकरण कौन थी, ग्रामीण वाली कौन सी थी, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो इसी के बारे में थोड़ा डिटेल करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं जो पीछे की लाइनें हैं आप लोगों की, ध्यान रखना आप लोगों ने इसके बारे में। तो 1921 की बात की जा रही है, 1921 में ही आप लोगों को पता चला कि जो आप लोगों की सिविलाइजेशन है 2500 से लेके 3000 वाली जो हम बात कर रहे हैं, जो पहली सभ्यता थी ये आप लोगों की कौन सी थी, ये आप लोगों की शहरी सभ्यता आप लोगों की मानी जाती थी। ओके, शहरी सभ्यता के अंतर्गत ये आप लोगों की आती थी, जिसे आप लोग जानते थे इंडस वैली वाली सिविलाइजेशन के बारे में। अब इसके बारे में कैसे पता लगाया दयाराम साहनी ने या किसी और, जितने भी आर्कोलॉजिकल थे इन्हीं के बारे में ध्यान रखना। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी आप लोगों की वो 16 अप्रैल 1857, ये डेट क्यों फेमस है आप लोगों की, जल्दी जल्दी बताइए। सोलह अप्रैल 1857 आप लोगों का क्यों फेमस माना जाता है, पीछे मैंने इसके बारे में बात भी किया था आप लोगों के साथ। नहीं पता है जी, 16 अप्रैल 1857 जो आप लोगों का है, इसमें भारत की जो पहली ट्रेन थी वो चलना स्टार्ट हुई थी, यात्री ट्रेन, कहाँ से लेके कहाँ तक, बॉम्बे से लेके ठाणे तक। कितने किलोमीटर की, 34 किलोमीटर की। किसके द्वारा चलाई गई थी ये, जो आप लोगों के उस समय हुआ करते थे गवर्नर जनरल, जिनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना आप लोगों ने इतनी सी बात को। अब बॉम्बे से लेके ठाणे तक तो आप लोगों की ट्रेन बन गई, अब इसके बाद आप लोगों की एक और जगह ट्रेन बन रही है जिसका नाम है लाहौर और कराची। लाहौर से लेके कराची तक भी ट्रेन का निर्माण किया जा रहा है। अब ट्रेन चलाने के लिए किस चीज को जरूरत है, आप लोगों की पटरी बनानी बिछानी पड़ेगी, जिसे कहा जाता है आप लोगों का रेलवे लाइन। 1857 53 में चली थी, 57 होगा मेरे हिसाब से, तो 53 में कहाँ चली थी, सॉरी 1857 में तो वो हुआ था, 53 है यार, गलत लिख दिया मैंने, 57 में तो युद्धों में ये पागल हुए थे। ठीक है 53 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो लाहौर से लेके कराची तक आप लोगों का जो ये लाहौर से लेके कराची तक आप लोगों की रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी, तो रेलवे लाइन बिछाने के लिए आप लोगों को ये भी पता है कि जो जमीन होती है उसको बिल्कुल समतल या बिल्कुल इक्वल करना पड़ता है, बट कुछ एक जगह ऐसी भी होती है जहाँ पे पहाड़ होते हैं, कुछ एक जगह ऐसी होती है जहाँ पे नदियाँ होती हैं, बट यहाँ पे जैसे ही लाहौर और कराची के बीच में खुदाई की जा रही थी मजदूरों के द्वारा, तो बीच में कुछ इनको पहाड़ मिले। जब इन पहाड़ों को खोदा जा रहा था और जमीन को समतल किया जा रहा था, तो इनको यहाँ पे कुछ एक अवशेष मिलते हैं। ठीक है, तो इनको ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि ये क्या चीजें हैं, कुछ ज्यादा इनके द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता, बट जैसे जैसे ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं जो अवशेष होते हैं आप लोगों के, इनकी जो संख्या है वो बढ़ना ज्यादा स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है, ये वाला नहीं पूछा जाएगा, लाहौर कराची वाला जैसे ज्यादा डीप में पूछना हो तब पूछा जाता है कि जो स्टार्टिंग हुई थी इसकी कैसे हुई थी। तो ज्यादा जब आप लोगों के अवशेष प्राप्त होने शुरू हुए, तो आप लोगों के जो पहले 1856 तक, ठीक है, 1856 में एक पर्सन आएंगे जिसने इन सभी अवशेषों को इकट्ठा किया, और उनका जो नाम होगा वो होगा आप लोगों का अलेक्जेंडर कनिंघम। जानते हो आप इनके बारे में कौन थे ये पर्सन, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, 1856 में इनके द्वारा जितने भी अवशेष होंगे, जो भी इनको मिलता है उनको इकट्ठा करते हैं और इनके ऊपर स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं क्या, रिसर्च, कि ये किस तरह के लोग हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों ये यहाँ पे थे। इनके द्वारा इसके ऊपर रिसर्च की जाती है, बट ये जो रिसर्च आप लोगों की होती है उसका कोई भी रिजल्ट इनको नहीं प्राप्त होता है। तो आप लोगों ने ये याद रखना है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है
कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है या फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, तो याद रखना आप लोगों ने अलेक्जेंडर कनिंघम इनका नाम है। ओके, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज समझा रहा हूँ, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं। फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल जो आप लोगों के थे या आर्कोलॉजी थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। इनके द्वारा 1856 में एक रिसर्च की गई थी जो कुछ अवशेषों के ऊपर थी, बट उन अवशेषों से इनको कुछ भी एविडेंस प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण ये लाहौर जो आप लोगों के लॉर्ड डलहौजी थे, इनसे सिफारिश करेंगे कि हमें इनके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। बट आप लोगों को पता है कि जो लॉर्ड डलहौजी था उस समय, इस टाइम पे वो किस चीज में बिजी था, लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन, लैप्स की नीति में बिजी था वो, जिस कारण इसने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो इसने इसको कुछ भी नहीं किया। ठीक है, इसके बाद जो आप लोगों का लॉर्ड डलहौजी आएगा, लॉर्ड डलहौजी के बाद एक और पर्सन आप लोगों का गवर्नर जनरल बन के आएगा, जिसका नाम होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग से भी ये सिफारिश करता है कि हमें ऐसे ऐसे हमें अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, तो हमें इनके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये कौन से पर्सन है, कहाँ से आए थे। बट ये भी पर्सन है जो आप लोगों का, ये भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लेगा, बट इस बंदे का ये दिल रखने के लिए एक म्यूजियम की स्थापना कर देगा, जिसे आप लोग जानते हैं म्यूजियम, जो आप लोगों का भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ पे है, कोलकाता में है। ठीक है, इंडियन म्यूजियम जिसे कहा जाता है, कोलकाता में है आप लोगों का, उसमें ये म्यूजियम बनवा देता है, बस इतना सा ही काम किया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। और आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आर्कोलॉजिकल ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये याद रखना आप लोगों ने, ये आप लोगों का कोलकाता में है। ठीक है, और किसको कहा जाता है फादर ऑफ आर्कोलॉजिकल, वो आप लोगों के अलेक्जेंडर कनिंघम होंगे। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के बनते थे, इसलिए छोटी सी बात आप लोगों को बता दी गई है, आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद भारत का जो सबसे बदनाम वायसराय है वो आएगा, कौन था भारत का सबसे बदनाम वायसराय? भारत का सबसे बदनाम वायसराय आएगा, जिसको जानते हैं आप लोग, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जिसके द्वारा किया गया था बंगाल का विभाजन। और इससे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा ही जाता है, पुरातत्व विभाग से संबंध रखने वाला कौन सा भारत का गवर्नर जनरल था, तो सॉरी वायसराय था, तो आप लोगों ने याद रखना है, उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। इस पर्सन के द्वारा एक कार्य किया गया, ठीक है, इस पर्सन के द्वारा ये कार्य किया गया, क्योंकि ये खुद एक पुरातत्व विभाग से संबंध रखने वाला था, इसने जैसे ही ये भारत में आता है तो ये वहां पे इन चीजों में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और इसी पर्सन के द्वारा 1905 में एक स्थापना की जाएगी आर्कियोलॉजिकल या आर्कोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया की। सर्वे ऑफ इंडिया की इसके द्वारा दो कमेटियां बनाई जाएगी, और कमेटी किस किस की होगी, जो पहली कमेटी होगी इसके जो फर्स्ट चेयरमैन आप लोगों के जो बनाए जाएंगे वो होंगे, आप लोगों के यहाँ पे लिख लो, फिर आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर। जो इसके फर्स्ट चेयरमैन बनाए जाएंगे वो आप लोगों के जॉन मार्शल होंगे, और जॉन मार्शल के हाथ में दो कमेटियां दी जाती हैं, जिसमें आगे उनमें भी चेयरमैन बनाए जाते हैं या हेड बनाए जाते हैं। जो पहले होंगे आप लोगों के दयाराम साहनी, और जो दूसरे होंगे आप लोगों के राखल दास बनर्जी या आर डी बनर्जी भी आप लोग इनको कह सकते हैं। ठीक है, इनके द्वारा कमेटीज को बनाया जाता है। तो आप लोगों को पता है जो आप लोगों के दयाराम साहनी थे वो लाहौर में जाते हैं 1921 में, सॉरी लाहौर में जाएंगे, और इनके द्वारा 1921 में खोज की जाएगी किस जगह की, एक शहर की खोज करेंगे जिसका नाम होगा हड़प्पा। तो पहली जो खोज होती है वो एक पूरे एक शहर की जाती है, जो आप लोगों के दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की जाएगी। और इसी के साथ आप लोगों का लाहौर से कराची की बन रही थी ट्रेन आप लोगों की, तो आप लोगों को पता है ये ले लेता है लाहौर की लोकेशन को, ये पर्सन ले लेगा कराची के लोकेशन को, और इसके द्वारा जो जगह की खोज की जाएगी वो आप लोगों का मोहन जोदाड़ो होगा। ठीक है, मोहन जोदाड़ो। बट इन दोनों के बीच में एक चीज की कॉमन देखी क्या जाती है कि इन दोनों की जो सभ्यता थी, इन दोनों के जो रीति रिवाज थे वो सेम माने जाते थे। और ये भी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो आप लोगों की
खोजें हुई थी वो इंडस वैली में हुई थी, जिस कारण इसको नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए दोनों को दिया गया क्योंकि इन दोनों के जो ठीक है कल्चर थे, जो सभ्यता थी, वो दोनों की मैच थी। बट आप लोगों को मैंने बीच में एक क्वेश्चन बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को बाद में हड़प्पा क्यों बनाया गया, क्योंकि जो पहले खोज की गई थी वो हड़प्पा नामक स्थान की गई थी, इसलिए इसको नाम दिया गया था हड़प्पा। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, हड़प्पा शहर की खोज कब हुई थी आप लोगों की? दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में, मोहनजोदाड़ो की 1922 में, आर डी बनर्जी के द्वारा, जिन्हें कहा जाता है राखल दास बनर्जी। और ये दोनों आप लोगों की जो सिविलाइजेशन फाउंड हुई थी, ये दोनों सेम कल्चर को फॉलो करती थी। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो सिविलाइजेशन थी वो एक जैसी थी, जिस कारण इनको नाम दिया गया क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन। कोई डाउट है इसमें? समझ आ गया इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में? अच्छा, आप लोगों को मैंने जो नोट्स दिए हैं उसमें मॉडर्न, उसमें एक बुक होगी, नोट्स के बीच में एक पीडीएफ होगी घटना चक्र नाम से। अगर आप लोग घटना चक्र वाली पीडीएफ को फॉलो कर लेते हो, आप लोगों को कोई भी बुक फॉलो करने की नीड नहीं पड़ेगी। उसकी पीडीएफ मुझे यहाँ पे मिल नहीं रही है, बट मैंने अभी देखा कि वो मेरे हिसाब से उसमें होगी, उसमें हो सकती है, मैंने डाउनलोड की तो थी, उसमें रखी थी। अगर नहीं होगी तो फिर मुझे डाउनलोड करके आप लोगों को जरूर दूंगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आप लोगों की इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये कहाँ से लेके कहाँ तक फैली थी? तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये पूरे उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भारत में एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में एग्जिस्ट करती थी। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आप लोगों की इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इसका आकार किस तरह का था? तो याद रखिए, ट्राइंगल शेप की थी, त्रिभुजी शेप की थी ये, ठीक है, त्रिभुजी शेप की थी। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके उत्तरी भाग या नॉर्थन साइड कौन सी थी इसकी? नॉर्थन प्लेस इसका कौन सा था? यहां से क्वेश्चन बनते हैं इसके। तो याद रखना आप लोगों ने, जम्मू कश्मीर का मांडा, जम्मू कश्मीर में आप लोगों की लोकेशन पड़ेगी जिसका नाम होगा मांडा। और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी रिवर के किनारे है ये? तो चिनाब रिवर के किनारे, चिनाब रिवर में ये आप लोगों का पड़ेगा। फिर आप लोगों से पूछा जाएगा कि इसका ईस्टर्न पार्ट कौन सा होगा, पूर्वी इलाका कौन सा होगा आप लोगों का? तो ध्यान रखना, मेरठ का यूपी है आप लोगों का, मेरठ यूपी में आप लोगों की जो लोकेशन होगी आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे था? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, हिंदून नदी, हिंदून रिवर इस नदी के किनारे था उस समय ये। आप लोगों का ईस्टर्न पार्ट आप लोगों का होता है, फिर आप लोगों का आएगा साउथर्न में, कौन सा था, साउथर्न पार्ट, ठीक है, हाँ महाराष्ट्र है साउथ में आप लोगों का, तो महाराष्ट्र का दैमाबाद है। नई आईडी दे रहा हूँ आप लोगों को मैं,